नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटीआई टेक्निकल पर। मैं केएल गुप्ता, आज आपके सामने एक इन्वर्टर फ्रिज पीसीबी लेकर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है, इसका हार्नेस भी इसमें लगा हुआ है। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम जानते हैं उनके लिए इसको ट्रेस करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी बात है, वो ट्रेस कर लेते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, रेफ्रिजरेशन का काम करते हैं ओनली, उनके लिए गले की फांस बन चुकी है। जैसे जैसे उनको इन्वर्टर वाला मिलता है, पीसीबी वाला बोर्ड, वैसे वो परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, किस तरह से करें। तो उलझ जाते हैं, फिर दूसरे कारीगर के पास लेकर जाते हैं, उनमें ज़्यादा पैसा खर्च करता है। हमारे पास भी ये बनने के लिए आया है, क्योंकि मैं फील्ड में नहीं जाता, मैं अपने वर्कशॉप में काम करता हूँ। तो आइए, आप उसको शेयर कर रहे हैं कि कैसे आपको इसको ट्रेस करना है और कैसे इसको पता करना है कि ख़राब क्या है, ये ख़राब है, हमारा कंप्रेसर ख़राब है कि थर्मोस्टेट ख़राब है, आप कैसे पता करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले आपको कहाँ से क्या करना है, अब देखिए ये तो आपका कंप्रेसर का है, ये ओवरलोड से होकर जाता हुआ, ये आपका जो है स्टार्टिंग और स्टार्टिंग का। इसमें देखिए तीन पॉइंट होता है, एक बड़े मज़े की बात मैं बता रहे हैं कि जो इसमें कंप्रेसर में आप नॉर्मल वाले में देखते होंगे, एक कामन है, एक रनिंग है, एक स्टार्टिंग है, लेकिन इसमें न कामन है, न रनिंग है, न स्टार्टिंग है, इसमें थ्री फेज की सप्लाई चलती है, थ्री फेज की सप्लाई। अब कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे, यार थ्री फेज की सप्लाई, हम सिंगल फेज दे रहे हैं, थ्री फेज कैसे चलेगा। तो मानिए इस बात को, थ्री फेज की सप्लाई चलता है। इसमें UBW इसमें जो लिखा हुआ रहता है, एक कोड थ्री फेज का भी कोड है, और थ्री फेज से ही, थ्री फेज के टेक्निक से ही आपको इसको हम चेक करके दिखाएंगे कि कैसे आप पता करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो आइए हम इसको सप्लाई देते हैं, एक एक इसके लक्षण का पता लगाते हैं कि कौन सा सिम्टम आने पे क्या ख़राब माना जाएगा। तो आइए आप लगातार बने रहिए काउंटर पे। हाँ तो दोस्तों, इसको हम सप्लाई देने जा रहे हैं। तो अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि इसमें देखिए पूरा हार्नेस बाहर है, और सप्लाई इसको देंगे यहाँ पे एक ग्रीन कलर की LED एक बिलिंग देकर अगर बंद हो जाती है तो आपका प्रोसेसर काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है। अभी ध्यान से देखिएगा, इसको हम सप्लाई देने जा रहे हैं। एक मिनट, अंधेरा करना पड़ेगा क्या, बिलिंग किया। हाँ तो अब सप्लाई दे रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, देखिए एक ग्रीन कलर की LED जली यहाँ पे और बुझ गई। तो इससे यह आपको पता चला इस आपका ये सिस्टम काम कर रहा है, लेकिन कंप्रेसर को सप्लाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप कैसे क्लियर करेंगे। तो और एक चीज़ और है कि कंप्रेसर ख़राब है या थर्मोस्टेट ख़राब है, और इसके लिए भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो कंप्रेसर के चेकिंग के लिए हम चीज़ सप्लाई निकाल दे रहे हैं पहले, कंप्रेसर के चेकिंग के लिए तो सबसे पहले कंप्रेसर के तीनों पॉइंटों पे आपको रेजिस्टेंस चेक करना पड़ेगा। हम बना दे रहे हैं कि मान लीजिए ये आपका कंप्रेसर और लाइट जला लें हम थोड़ा, हाँ चलिए ठीक है, ऊपर कीजिए। तो कंप्रेसर का ये जो तीन पॉइंट इसमें होता है, एक यहाँ और एक यहाँ, तो दरअसल इन तीनों के बीच में एक डेल्टा बाइंडिंग की तरह व्यवस्था बना हुआ रहता है, ऐसे इस तरह से बाइंडिंग का व्यवस्था बना रहता है। आप किन्हीं दो पॉइंट को लेकर आप चेक करेंगे तो आपको सेम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे आपको 40 ओम से मिल रहा है तो यहाँ पे भी आपको 40 ओम से मिलना चाहिए, यहाँ पे भी आपको 40 ओम से मिलना चाहिए, सेम रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। तो आप इस कंडीशन में चेक कर रहे हैं, आपको तीनों एंगल से सेम रेजिस्टेंस अगर मिलता है तो समझ लीजिए आपका कंप्रेसर सही है। अब बचता क्या है, आपका थर्मोस्टेट, और उसके साथ साथ ये भी आपको क्लियर करना है, अगर कंप्रेसर सही है, नहीं ऑन हो रहा है, थोड़ी देर के लिए ऑन नहीं हो रहा, आप परेशान हो जा रहे हैं, तो थर्मोस्टेट या तो आपके पास है बदल के देखें, और नहीं है, आप सपोज आप प्रेजेंट में नहीं, तत्काल में नहीं काम करना चाहते हैं कस्टमर के यहाँ, तो अपने यहाँ लाइए और इस थर्मोस्टेट वाले को बाहर कर लीजिए, बाकी ये सब जिसे लगा इसको लगा रहने दीजिए, थर्मोस्टेट वाले को बाहर कर दीजिए। और
आपको बता रहे हैं एक 3 बल्ब और 3 होल्डर, और एक सावधानी होना चाहिए इसमें, ये एलईडी बल्ब नहीं चलेगा, इसमें नियान बल्ब चाहिए। आप छोटा, ये बड़ा वाला भाई हमारे पास तो हम लगा लिए हैं, और छोटा भी है, मतलब फ्रिज में जो लगता है आपके डोर वाले में जलाने के लिए अंदर फ्रिज के अंदर, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें UVW जो है यहाँ पे आप इसको जोड़ लीजिए। आपको हम पूरा सिम्टन बता रहे हैं कि कैसे आप क्लियर करेंगे। इसका कनेक्शन जो है कैसे बल्ब का करना है, स्टार में कनेक्शन करना है, अभी हम बता रहे हैं आपको। ये भी आसान है, और ये कहाँ पे है देखिए, यहाँ हम तीनों जोड़ लेंगे इसमें। इसका कनेक्शन भी इसी लगे हाथ हम समझा दें आपको, ये बवाल ख़त्म हो जाएगा। देखिए आपके ये 3 बल्ब हैं, तीनों का एक एक सिरा आप एक में जोड़ लिए, और तीनों का एक एक सिरा बाहर कर लिए, ये स्टार कनेक्शन बन गया। यही कनेक्शन हमें बनाया है, 3 को 1-1 सिरा जोड़ लिए हैं और तीनों का 1-1 सिरा बाहर करके इसमें जोड़ दिए, यही स्टार कनेक्शन में हो गया। अब क्या करना है आपको, एक लीड ले लीजिए, यहाँ पे एक लीड ले लिए हम जो बना हुआ है हमारे पास। अब थर्मोस्टेट वाले पे आपका जो थर्मोस्टेट का जो पॉइंट बना है, यहाँ पर थर्मोस्टेट वाला है, इसके साथ जोड़ दीजिए, यहाँ पर जोड़ दीजिए। ध्यान से देखिए एक एक पॉइंट को, बहुत वैसे हम बहुत इसको आपको स्लोली बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत ना हो। हम इसको थर्मोस्टेट वाले पे जोड़ दे रहे हैं। इसमें जो तरीका हम बता रहे हैं, इससे आपके पीसीबी को किसी प्रकार का खतरा नहीं होगा कि आपका पीसीबी नुकसान हो जाए, भ्रष्ट हो जाए। बहुत ही शांतिपूर्ण वाली तरीके से बता रहे हैं। अब जो है इसको हम उलट दे रहे हैं ताकि क्या चलेगा ऊपर दिखता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम ये जो मेन लीड इसका है इसको सप्लाई दे रहे हैं, उसके बाद मेन सप्लाई आपको इसमें देना है। थर्मोस्टेट में भी मेन सप्लाई ही देना है, क्योंकि थर्मोस्टेट में भी मेन सप्लाई जाता है, घूम के जाता है थोड़ा सा, लेकिन हम चूँकि जब पूरा सर्किट क्लोज रहता तब जाता है, तो यहाँ पर पहले हम एक जगह सप्लाई दे रहे हैं इसको साइड में करके। ये वाला मेन लीड हम लगा दिए, सप्लाई एक बिलिंग हुआ होगा देखे होंगे, इसके बाद हम ये थर्मोस्टेट वाला भी लगा दिए, इसमें थर्मोस्टेट वाला भी लगा दिए। अभी इसमें देखिए आप बल्ब देखिए, एक बार जला बुझा तो ये क्लियर हो गया कि आपका कंप्रेसर सही है और कंप्रेसर को सप्लाई जाएगा। देखिए यहाँ पे अब कंप्रेसर ना होने का ये रीडिंग दे रहा कि कंप्रेसर नहीं है, मतलब चूँकि हम बल्ब लगाए थे, आज चूँकि उसका रेजिस्टेंस कुछ और था, इसका रेजिस्टेंस कुछ और है। अब 5 टाइम 3 टाइम बिलिंग करके ये जो है देखिए 1, 2, 3 टाइम बिलिंग कर रहा है, और रेयर चांस में ये 5 टाइम भी बिलिंग करता है, 3 या 5 दोनों भी कर सकता है। तो इस ये दिखा रहा है कि कंप्रेसर नहीं है। इसको एक बार दोबारा और हम लगा रहे हैं, आपको बने रहिएगा, अभी थोड़ा डिस्चार्ज हो जाने दीजिए क्योंकि थोड़ा टाइम लेता है। एक चीज़ और है, कभी भी आप अगर इन्वर्टर PCB चेक कर रहे हों तो अगर जो आप पूरा कंप्लीट कर देंगे वहाँ पे फ्रिज के अंदर इंस्टॉल कर देंगे तो लगभग 15 से 20 मिनट का समय लेता है इसको स्टार्ट होने में। 15-20 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा स्टार्ट होने के लिए पूरी तरह से। तो एक बार फिर इसको सप्लाई देके हम देखते हैं बने पहुँच कर। हाँ तो दोस्तों देख सकते हैं यह 3 टाइम बिलिंग अभी दे रहा है, और एक बार इसको ग्लो कर चुका है। क्योंकि देखिए इसमें सबसे बड़ा लोचा यह है कि लगभग 15 से 20 मिनट का समय लेता है इसको ऑन होने में एक बार, और उसके बाद जैसे ही ऑफ होगा वैसे ही फिर दोबारा 15 से 20 मिनट का समय लेगा। पहली बार लगाए थे संयोग था तुरंत ऑन हो गया, आप देख भी लीजिए इसका रिएक्शन, तो ठीक इसी तरह से इसका रिएक्शन होता है। अगर इस तरह से बल्ब लगाने पे आपको रिएक्शन मिल रहा है तो कंप्रेसर के लिए सप्लाई जा रहा है, और कंप्रेसर का अगर वोल्टेज रेजिस्टेंस आपको सही मिल रहा है, बराबर मिल रहा है, तो समझ लीजिए कि आपका जो है एक इधर का मामला सब रेडी है, आपको थर्मोस्टेट चेंज कर देना है। तो ये हमारा छोटा सा वीडियो था, पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।